लोमड़ी और अंगूर की कहानी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह भूखी प्यासी भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी। भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई, लेकिन वह शिकार प्राप्त न कर सकी। शाम होते होते वह जंगल के समीप स्थित एक गांव में पहुंच गई। वहां उसे एक खेत दिखाई पड़ा। भूख से बेहाल लोमड़ी खेत में घुस गई। वहाँ एक ऊंचे पेड़ पर अंगूर की बेल लिपटी हुई थी, जिसमें रसीले अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे। अंगूर देखते ही लोमड़ी फॉक्स के मुंह से लार टपकने लगी। वह उन रस भरे अंगूरों को खाकर तृप्त हो जाना चाहती थी। उसने अंगूर के एक गुच्छे पर अपनी दृष्टि जमाए और जोर से उछली। ऊंची डाली पर लिपटी अंगूर क्रेप्स की बेल पर लटका अंगूर का गुच्छा उसकी पहुंच के बाहर था। उसका प्रयास व्यर्थ रहा। उसने सोचा क्यों न एक प्रयास और किया जाए। इस बार वह थोड़ा और जोर लगाकर उछली, लेकिन इस बार भी अंगूर तक पहुंचने में नाकाम रही। कुछ देर तक वह उछल उछल कर अंगूर तक पहुंचने का प्रयास करती रही, लेकिन दिन भर की जंगल में भटकी थकी हुई भूखी प्यासी लोमड़ी आखिर कितना प्रयास करती। वह थककर पेड़ के नीचे बैठ गई और ललचाई नजरों से अंगूर को देखने लगी। वह समझ गई कि अंगूर तक पहुंचना उसने बस के बाहर है, इसलिए कुछ देर अंगूरों को ताकने के बाद वह उठी और वहां से जाने लगी। वह अंगूर खाने का विचार त्याग चुकी थी। पास ही एक पेड़ पर बैठा बंदर मंकी उसे बहुत देर से देख रहा था। उसे जाते हुए देख वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, क्या हुआ लोमड़ी बहन, वापस क्यों जा रही हो, अंगूर नहीं खाओगी? लोमड़ी रुकी और बंदर को देखकर फीकी मुस्कान से साथ बोली, नहीं बंदर भाई, मैं ऐसे अंगूर नहीं खाती, ये तो खट्टे हैं। सीख: जब हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते तो अपनी कमजोरियां को छुपाने या अपने प्रयासों की कमी को नजरअंदाज करने अक्सर उस चीज में ही कमियां निकालने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसे दूर करने की, सूझबूझ से काम लेने की और सफल होने तक अनवरत प्रयत्न करते रहने की।